गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास थर्ड हिंदी मीडियम। आज देखेंगे अध्याय 3, लालच और स्वार्थ। चार चोर थे। चोर लोग चारों ही मिलकर चोरी करते थे और जो भी माल मिलता उसे आपस में बांट लिया करते थे। वे रहते तो साथ थे मगर थे बड़े स्वार्थी। चारों चोर यही सोचते रहते कि किसी दिन मोटा माल हाथ लगे तो अपने बाकी साथियों को मारकर सारा माल स्वयं ही हथियार लें। मगर आज तक ऐसा मौका नहीं आया था। एक रात उन्होंने एक नगर में सेठ के यहाँ सेंध लगाई। उनके हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। दो दिन तक वे भूखे प्यासे जंगल में ही छिपे रहे। वे जानते थे कि नगर सेठ के यहाँ सेंध लगाने की वारदात से शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैल गई होगी। वे अभी कुछ दिन और जंगल में ही छिपे रहना चाहते थे, मगर मजबूरी यह थी कि उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। जहाँ तक संभव था उन्होंने भूख सहन की, मगर जब भूख सहन शक्ति से बाहर हो गई तो उन्होंने फैसला किया कि उनके दो साथी शहर जाकर वहाँ का माहौल भी देख आएँ और खाना भी ले आएँ। ऐसा निश्चय कर उनमें से दो शहर की ओर चल दिए। शहर जाकर उन्होंने खूब जमकर खाया और योजना बनाई कि वे अपने दो साथियों को ठिकाने लगाकर सारा माल खुद ही हड़प लेंगे। अतः उन्होंने अपने साथियों के खाने में जहर डाल दिया। उनमें से भी प्रत्येक सोच रहा था, जब हम दो रह जाएंगे तो इसे मारकर मैं अकेला ही सारा माल हथियार लूंगा। इधर जंगल के चार दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोरों की हत्या कर डालने की योजना बना डाली थी। वे भी उन्हें अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। चारों चोरों ने दो टोलियां बनाकर अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। अपनी पहली टोली जो ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में पहुंची कि दूसरी टोली ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लाठियां बरसाकर उनकी जान ले ली। फिर वे निश्चित होकर भोजन करने बैठ गए, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार लालच और स्वार्थ के कारण चारों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। क्लास थर्ड, इसको जो है आप उंगली रखकर रीड करेंगे और हार्ड वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।